SW24 न्यूज ने पहले भी प्राथमिकता के साथ ग्राम पंचायत हरण गांव में पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के घोटाले को उजागर किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरण गांव में हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिया गया था। ग्रामीण आवास योजना में 1.5 लाख की राशि हितग्राही को मिलनी थी, लेकिन हितग्राहियों तक सिर्फ 1,20,000 या 1,25,000 की राशि ही पहुंच पाई। हितग्राहियों ने सरपंच एवं सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि बची हुई राशि जॉब कार्ड लगाकर अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर करा ली गई और हितग्राहियों को बताया गया कि कुछ ही दिनों बाद बची हुई राशि भी आपके खाते में आ जाएगी। लंबा समय होने के बाद जब बची हुई राशि हितग्राही के खाते में नहीं पहुंची, तब हितग्राही परेशान होकर जनपद पंचायत खाते गांव पहुंचे एवं सीईओ से पूरे मामले की शिकायत की, जिसमें आज जनपद पंचायत खाते गांव सीईओ टीना पवार के द्वारा पूरे मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसे जिन हितग्राहियों को बकाया राशि नहीं मिल पाई थी उन्हें उनके हक की राशि अब जल्द ही मिलने की उम्मीद जागी है। देखना अब ये है कि यहाँ जांच कितने दिनों में पूरी होगी और ग्रामवासियों को कितना लाभ मिलेगा। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। तो चेक करके बता पाएंगे। उस समय क्या गोपाल भैया थे, मैं जनपद अटैच था। मित्र जी आपको मालूम है कि निकले नहीं निकले? नहीं वो तो निकल गए ना पेमेंट का, और कुछ तो इनके खाते में भी है। नहीं पर मजदूरी का पेमेंट इनका कहना है कि 15,000 रुपए के लगभग भी अभी नहीं निकले। वो तो आए उनके खाते में, उनकी एंट्री देख लो, उनका पासबुक देख लो। नहीं उनका ये कहना है कि नहीं आया, बाकी आ गया 1,20,000 आ गए। नहीं तो वो भी एंट्री दिख रही है उस पर, उनकी पासबुक देखो तो बता पासबुक। आज मेरे सामने एक शिकायत आई है जिसमें हरण गांव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की जो हितग्राही है उनकी मंजूरी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी शिकायत मिली है। उसके संबंध में मैंने जांच दल का गठन किया है। जैसे ही जांच दल से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।